वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं निकालूंगी मोर की रंगोली। सो इस रंगोली में सबसे पहले मैंने चॉक से ये रंगोली निकाली है। अभी मैंने ब्लू कलर फील किया है, डार्क ब्लू कलर। उसके बाद आपको लाइट ब्लू कलर यानी ब्लू में थोड़ा सा सफ़ेद कलर मिक्स करके रंगोली फिल करनी है। रंगोली फिलर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप छन्नी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इन दोनों कलर्स को आपको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के लिए दोनों भी कलर्स 50-50 यूज़ करने हैं तो रंगोली ब्लेंड हो जाएगी। और दोनों जो भी कलर्स फिल किए हैं उन दोनों के बीच में से ये रंगोली आप फिल कीजिए। इसके बाद आपको बॉर्डर बनानी है। बॉर्डर बनाने के लिए मैंने डार्क ब्लू कलर यूज़ किया है तो इससे आपका मोर खुलकर दिखेगा, थोड़ा ब्राइट दिखेगा। उसके बाद जहाँ पे कलर छूट गया है वहाँ पे जो कलर, जैसे डार्क ब्लू छूट गया था तो मैंने डार्क ब्लू कर दिया वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लाइट ब्लू कलर छूट गया था थोड़ा सा तो वो जगहें मैंने भर दी है। उसके बाद आपके उंगली की सहायता से आपको रंगोली को शेप देना है या फिर आप ईयरबड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेंसिल से थोड़ा सा उसको शेप देने की कोशिश की है। उसके बाद ऑरेंज कलर यूज़ करना है। ऑरेंज कलर से थोड़ी सी डिज़ाइन देनी है मोर के बीच में। उसके बाद उसके बीच में येलो कलर भरना है। येलो कलर से थोड़ी सी ऐसी डिज़ाइन देनी है मोर के पंख की। उसके बाद उसके ऊपर मैंने एक कमल का फूल निकाला है तो इसमें सबसे पहले आपको पिंक कलर फील करना है। आप मैंने रंगोली फिलर यूज़ किया है इसके लिए। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर फील कर सकते हैं। इसमें मैंने दो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, एक मैंने पिंक कलर और एक लाइट पिंक कलर यूज़ किया है। उसके बाद इसको बॉर्डर देनी है। मेरे पास पिंक कलर ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने रेड कलर यूज़ किया है इसमें बॉर्डर देने के लिए। मतलब डार्क पिंक कलर नहीं था, डार्क पिंक कलर से थोड़ा सा ब्राइट दिखेगा कमल का फूल तो आप डार्क पिंक कलर यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर देने के लिए। मैंने रेड यूज़ किया है। अभी मोर की चोंच बनानी है जिसमें मैंने ऑरेंज कलर यूज़ किया है। फिर से उंगली की सहायता से उसे प्रॉपर शेप दो। उसके बाद आपको मोर की आँख बनानी है। उसके लिए आपको वाइट कलर यूज़ करना पड़ेगा। वाइट कलर से शेप बनाओ आँख का, उसको ब्लैक कलर की बॉर्डर दो जिससे उसके एक्सप्रेशंस हाव भाव दिखेंगे मोर के। उसके बाद मोर और कमल के बीच में जो जगह है वो फील करिए और ग्रीन कलर से, डार्क ग्रीन कलर से। और उसके बाद थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर यूज़ कीजिए और फिर दोनों कलर्स को ब्लेंड कीजिए। ब्लेंड करने के लिए दोनों कलर्स को 50-50 लो और जो प्रीवियसली कलर फील किए हैं दोनों भी उनके बीच में वो कलर फील कर दो। उसके बाद अभी पत्तियाँ बनानी है। पत्तियों के लिए मैंने डार्क ग्रीन कलर यूज़ किया है। रंगोली फिलर से डार्क ग्रीन कलर यूज़ कीजिए। अभी मेरा जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा सा गीला है इसीलिए प्रॉपरली फिल नहीं हुआ रंगोली फिलर से, इसलिए मैंने छन्नी का यूज़ किया है। तो छन्नी से प्रॉपरली उसे फिल कीजिए ग्रीन कलर को।
उसके बाद उसको लाइट ग्रीन कलर से मैंने बॉर्डर दी है, और जहाँ पर मेरा ग्रीन कलर छूट गया है वहाँ पे मैंने वो ग्रीन कलर फिल कर दिया है बाद में। और उंगली की सहायता से जहाँ पे कलर एक्स्ट्रा हुआ है वहाँ से वो कलर मैंने हटा दिया है। उसके बाद लाइट ग्रीन कलर की बॉर्डर होने के बाद जहाँ पे भी कलर छूट गया था वहाँ पे ग्रीन कलर भर दिया। उसके बाद फिर से डार्क ग्रीन कलर लेना है और डार्क ग्रीन कलर से बॉर्डर बनानी है। डार्क ग्रीन से बॉर्डर बनाने से थोड़ी सी पत्तियाँ खुल के दिखेंगी, और जो बीच में लाइंस बनानी है पत्तों के बीच में, उसके लिए मैंने लाइट ग्रीन कलर यूज़ किया है। अभी उसके बाद मोर के पंख फील करने हैं, जिसे मराठी में पिसारा कहते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले डार्क ग्रीन कलर से पूरा भर दिया है, जो भी शेप है उसमें डार्क ग्रीन कलर फील कर दिया है। आप रंगोली फिलर से भी फील कर सकते हैं। मेरा कलर मतलब डार्क ग्रीन कलर जो यूज़ किया है वो थोड़ा सा गीला है, उसके लिए मैंने छन्नी यूज़ की है। उसके बाद डार्क ब्लू कलर यूज़ करना है, जिससे गोल गोल शेप बनाना है, मतलब गोल गोल सर्कल्स बनाने हैं। उसके बाद मतलब उसके लिए मैंने थोड़ा सा फेंट ब्लू यूज़ किया है। उसके बाद वैसे ही सर्कल्स, थोड़े छोटे सर्कल्स बनाने हैं उस ऑरेंज कलर के। सिर्फ थोड़ा सा चन्नी को हिलाइए और सर्कल्स हो जाएंगे तैयार। उसके बाद मैंने येलो कलर यूज़ किया है, येलो कलर्स के छोटे छोटे सर्कल्स बनाए हैं हाथ से, आप छन्नी से भी बना सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के लिए मैंने डार्क ब्लू कलर यूज़ किया है, सॉरी डार्क ग्रीन कलर यूज़ किया है। डार्क ग्रीन कलर से थोड़ा सा पत्तों का आकार दिया है, जहाँ पे कलर छूट गया है वहाँ पे कलर मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद लाइट ग्रीन कलर से मैंने लाइंस निकाले हैं, जैसे मोर के पंख को थोड़े थोड़े दिखने चाहिए करके मैंने लाइंस बनाए मोर पंख दिखने के लिए। और मोर थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए मैंने डार्क ब्लू कलर के छोटे छोटे डॉट्स छोड़ दिए उसके बीच में, इससे आपका मोर थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा। तो ये हो गई पिकॉक की रंगोली। रंगोली देखने के लिए
थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा सॉरी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।